फॉरएवर में 2 cc करने से हुए इतने सारे नुकसान, ये नुकसान सच में होते भी हैं या फिर लोग आपको सिर्फ और सिर्फ मिसगाइड करते जा रहे हैं? क्या है इसके पीछे का राज? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, सो दैट लोग जो आपके माइंड में मिथ है, जो आपके माइंड में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपके माइंड में लोग डाउट्स डाल रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम हाउसवाइफ, एट माय नेम इज पूनम यादव, आई एम प्राउड टीएलएफ क्रिएटर। तो गाइज, जैसा कि आपने देखा कि लोग 2 cc करने से कई नुकसान हो रहे हैं लोगों के साथ में, ऐसा लोगों का कहना है या फिर ऐसा उनको कोई ना कोई बोल देता है। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और फॉरएवर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप ये जानना चाहते हैं हम किस तरीके से वर्क कर रहे हैं फॉरएवर में, तो हम कर रहे हैं ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू, जहां हमें किसी को कॉलिंग या डीएम करके किसी को कन्वेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लोग इवन हमें सामने से कॉल करते हैं। जी हाँ, अगर आप भी और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं या फिर आप मेरे साथ फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हैं, आप एक हाउसवाइफ है और आप सोच रहे हैं कि घर बैठे कुछ ना कुछ वर्क आप स्टार्ट करना चाह रही हैं, तो दिए गए नंबर पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए, हम मेन टॉपिक है जो हमारा उस पर आते हैं कि लोग है ना काफी इस तरीके से मिसगाइड कर रहे हैं कि 2 cc करने के कई ऐसे नुकसान हैं। अगर आपने 2 cc कर लिया और उसके बाद आपको पैसा ही पैसा देना पड़ेगा, फिर से पैसा देना पड़ेगा, फिर से 2 cc करना पड़ेगा, अगर ऐसा आपको कोई बोल रहा है तो बिल्कुल गलत आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। 2 cc एक ऐसा लेवल होता है जो कि आपको लाइफ में वन टाइम ही करना होता है, जिसको बोलते हैं हम परमानेंट लेवल या फिर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, जो कि कंपनी का बहुत अच्छा लेवल होता है। यहां से आपके सारे लेवल्स के जो कह सकते हैं हम दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि अगर आप 5k की बिलिंग से करते हैं तो आपको क्या होता है ना कि आप फिर 2 cc करने के लिए आपके माइंड में वही क्वेश्चन रहता है कि 2 cc कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें। जब आप अपने 2 cc कर लेते हैं, परमानेंट लेवल अचीव कर लेते हैं, उसके बाद आपके माइंड में रहता है कि सुपरवाइजर कैसे करें, सुपरवाइजर के बाद असिस्टेंट मैनेजर कैसे करें, असिस्टेंट मैनेजर के बाद मैनेजर कैसे करें। तो ये सारी चीजें आपके माइंड में रहती हैं। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में ये सारी चीजें चलती रहती हैं कि अगर मैंने ये लेवल अचीव कर लिया इसके बाद ये करना है। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग 5000 से स्टार्ट करते हैं और वो 2 cc करने में बहुत डरते हैं, या फिर उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है, या फिर उनका माइंडसेट क्लियर नहीं होता है कि उनको वर्क करना ही है, तो इस तरीके से वो अपना 2 cc नहीं कर पाते हैं। फिर क्या बोलते हैं कि हर महीने हमें तो 2 cc करना पड़ रहा है, हर महीने 2 cc नहीं करना पड़ रहा। आप क्या है, आप एक प्रेफर कस्टमर की आईडी पर हैं और आपको है ना हर महीने ऐसा है कि आप 2 cc करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ले लेते हैं, लेकिन किसी भी कॉन्सिक्यूटिव 2 मंथ्स में आपका 2 cc डन नहीं हो पा रहा है, तो फिर ऑब्वियस ही बात है कि आपका फोकस 2 cc पर ही रहेगा। अब आप कुछ लोग मिसगाइड कर देते हैं कि हर महीने हमें 2 cc करना पड़ रहा है, वो 2 cc नहीं करना पड़ रहा आपको। 2 cc के लिए आप पॉइंट कुछ कलेक्ट करना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आप उसको कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, इस वजह से आपका लेवल जो है वो प्रेफर कस्टमर पर ही रह जाता है। और वन शॉट में करने से ये रहता है कि आप वन टाइम में कर लेते हैं और आपका माइंड का जो फोकस है या फिर डायरेक्शन है यू रहता है, जो कि आपका सिर्फ और सुपरवाइजर लेवल के लिए रहता है। तो इस तरीके से आप अपने वर्क को कर सकते हैं। अब लोग बोल रहे हैं कि नुकसान है। अब देखिए, नुकसान कौन बोलेगा? मान लीजिए आप 2 cc करने जा रहे हो जिसका अमाउंट अप्रोक्स 30,000 रुपीज है, अप्रोक्स मतलब मान लेते हैं, वैसे तो 29,000 कुछ 600 कुछ है आज की डेट में, लेकिन मान लेते हैं कि 30,000 के लगभग आपका लग जाता है, ठीक है। लेकिन अगर 30,000 रुपए आप लगा रहे हैं इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि आपका खुद का माइंडसेट है, आपने खुद ने उसको इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया है, आपने फॉरएवर की सक्सेस को आपने यू देखा है, आपने सारे लेवल्स को एक्वायर करते हुए देखा है, लोगों को इसमें ग्रो होते हुए देखा है आपने, तो अगर आप किसी भी फैमिली मेंबर से या फ्रेंड फैमिली में पूछते हैं कि मैं 2 cc कर सकता हूं कि नहीं, तो लोग तो आपको यही बोलेंगे ना कि 2 cc के बहुत नुकसान है, ये क्या कर रहे हो आप, 30,000 रुपए आपके फंस जाएंगे, आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, आपको नहीं करना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप उस तरीके से देख रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है आपको उसके नुकसान ही दिखेंगे, आपके उसके बेनिफिट तो दिखेंगे नहीं, आपको उसका लॉस ही दिखेगा। अगर आप इस तरीके से देख रहे हैं ना, तो पक्का आप इस बिजनेस को बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिजनेस ये आपका है, थिंकिंग आपकी होना चाहिए, सोच आपकी होना चाहिए, रोडमैप आपका क्लियर होना चाहिए,
और जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू है वो स्ट्रांग होना चाहिए, आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, आप वर्क कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर आज मैं इस वर्क को कर रही हूँ ना, तो उसके पीछे सिर्फ मेरा खुद का माइंडसेट है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रेक्शन देने वाले या फिर हमें रास्ता भटकाने वाले कई लोग आते हैं, ऐसा नहीं एक आता है, कई लोग आते हैं जो हमारा रास्ता भटकाते हैं हमें, लेकिन हमें पता है हमें अपने ऊपर लाइक हमें है ना सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए। और सेल्फ डाउट जहां लोग कर रहे हैं ना, तो वो बिजनेस कर ही नहीं रहे, वो सिर्फ उनका माइंडसेट ये है कि चलो मैं कर लेता हूँ, हो सकता है पैसा आ जाए, हो सकता है थोड़ा बहुत कमा ले, हो सकता है ऐसा हो जाए। तो वही है, जब हो सकता है वाली चीजें माइंड में आती हैं तो आपको 2CC के नुकसान ही दिखेंगे, 2CC के बेनिफिट नहीं दिखेंगे। लेकिन एक्चुअल वर्क जो हमारा है वो परमानेंट लेवल से ही करना चाहिए आपको, जो कि 2CC होता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से ही होता है, और उससे आप पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में आप अपने बिजनेस को इजी कर सकते हैं। अगर ऑटोमेशन से करते हैं तो आपके लिए ये बिजनेस है ना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा हम वर्क करते हैं यूट्यूब पर और गूगल पर। गूगल और यूट्यूब पर जहां वर्क करते हैं, लोगों का ट्रैफिक सबसे ज्यादा वहीं होता है, लोग वहीं सर्च करते हैं, तो सारी चीजें हमें सेटअप कराई जाती हैं। काफी लोग क्या करते हैं, चैनल तो क्रिएट कर लेते हैं बट उनको गाइड करने वाला नहीं है कोई। काफी लोग उनको चैनल तो क्रिएट कर लिया, देखा देखी लोगों की कि अरे ये इस तरीके से वर्क करते हैं, चलिए हम भी चैनल क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट तो कर लेते हैं लेकिन उनको गाइड करने वाला नहीं रहता है कि किस तरीके से हमें कंटेंट क्रिएट करना है, या फिर किस तरीके से हमारे व्यू आएंगे, या किस तरीके से लोग हमें कनेक्ट करेंगे। आपके पास एक यूनिक लिंक नहीं होता है, आपके पास एक यूनिक फनल नहीं होता है, तो कैसे लोग आपके पास कनेक्ट करेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा 2CC के नुकसान है कि बेनिफिट। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे साथ वर्क करना चाहते हैं, आप एक हाउसवाइफ है, तो दिए गए नंबर पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री कृष्णा।